Assalamualaikum guys and welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब खुश खैरियत से होंगे। तो guys अभी मैं हूँ जी जम्मू में, जैसा आपने पिछले व्लॉग में देखा ही, अभी 1:30 बज रहे हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ जी यहाँ ना। मैं आज से 2 साल पहले एक जगह है यहाँ पे बठिंडा साइड से, तो वहाँ पे मैं काफी सही बटर चिकन खाता था, तो तब से मेरा बटर चिकन काफी फेवरेट हो गया। तो वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। तो करते हैं जी नया व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज हूँ मैं बठिंडा के साइड से, और आज से 10-15 दिन पहले था मैं बठिंडा के साइड से। बठिंडा पंजाब में है और बठिंडा जम्मू में। गाइस अभी पहुंच गए यहाँ पे बठिंडा। बठिंडा है नरवाल से, बठिंडा की ओर जब मुड़ते हैं तो यहीं पे है, देखो ये वाला रेस्टोरेंट है। आई डोंट नो अभी मिल जाएगा या नहीं, बट अभी यहाँ का मौसम बहुत ही खराब हो रहा है। छोटी छोटी बूंदे भी पड़ रही थी बारिश की। मौसम का तो ठीक था लेकिन मेरी हालत भी खराब है क्योंकि रात भर ट्रेवल किया था इसलिए। तो चलिए देखते हैं पहले बटर चिकन होता है यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया था, यहाँ मैं खाता था, लेकिन आई डोंट नो कि ये वही है या चेंज हो गया। ये दो शॉप्स थी तब, आई डोंट नो अभी क्या हुआ इसको। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसी के पास मत होगा। यहाँ पे कोई भी नहीं अभी, लेट्स सी देखते हैं कहाँ चला गया यहाँ पे जो भी था। ये कब डाला आपने रेस्टोरेंट? 5 महीने बटर चिकन नहीं मिलता। मेरा शक सही निकला, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट चेंज हो गया है। 5 महीने हुए इस रेस्टोरेंट को और मैं 2 साल पहले आया हूँ यहाँ। तो अभी पहुंचा मैं यहाँ पे नरवाल बाईपास पे वेव मॉल के पास, लेकिन अभी वेव मॉल नहीं जाएंगे, अभी मैं जा रहा हूँ जी ज्वेल चौक, क्योंकि वहाँ से मुझे अपना काम भी है वो करके आते हैं और लंच भी करते हैं वहीं से कहीं पे। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ जम्मू वो निपटा देते हैं। आज बारिश की बूंदी भी पड़ रही है छोटी छोटी, तो गाड़ी पकड़ता हूँ मैं जल्दी से भाई ज्वेल चौक। अभी खाना पीना हो गया और अभी मेरा कुछ यहाँ पे पर्सनल काम है, तो आपसे मिलेंगे आई थिंक बाद में क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है। देखो जी बारिश हो रही है, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही है। Hey guys, welcome back. तो ये नेक्स्ट डे है, कल मैंने फिर वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था। अभी चलते हैं जी घर, मैंने अपना बैग वैग पैक कर दिया, लेकिन उससे पहले मुझे एक दो बंदों को यहाँ पे मिलना है। चलते हैं जी घर, आज देखते हैं कैसा रहता है सफर। तो चलिए चलते हैं घर के लिए और करते हैं अपना व्लॉग कंटिन्यू, लेट्स गो। गाइस अभी आया था मैं वी मॉल, फैमिली के रिलेटेड काम था यहाँ पे। तो यहाँ आज वी मॉल का सीन कुछ ऐसा, अभी देखो पूरा खाली वी मॉल है क्योंकि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो चलते हैं अभी यहाँ से बस लेते हैं सीधा बस स्टैंड ज्वेल चौक तक, वहाँ देखते हैं किस गाड़ी में चढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी यहाँ से निकलते हैं जी। हाँ जी अभी मैं वापस आया रूम की तरफ क्योंकि रोड बंद हो गया है, श्रीनगर जम्मू रोड बंद हो गया है। कल बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से रोड क्लोज हो गया है अभी। तो अभी आई थिंक बैठते हैं 1-2 दिन जब तक रोड भी खुलेगा और फिर निकलेंगे घर। तो बस पहुंच ही गया मैं अपने रूम यहाँ पे जी, अपना रूम इधर। तो चलते हैं अंदर करते हैं रेस्ट फिलहाल, सी यू गाइस। ये है जी नाइट व्यू वेव मॉल का, देख लो लोग भरे पड़े हैं। सुबह आपने देखा ही कितने लोग कम थे, और अभी का व्यू देख लो। The next day. Hey guys, welcome back. आज मैं अपना व्लॉग आई थिंक 2-3 दिन के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज गाइज मैं तब से जम्मू में ही था और रास्ता भी बंद था जैसा आपने देखा ही, तो फिर मैं जम्मू में फंस गया। आज तो रास्ता खुला है लेकिन आज मेरा प्लान बन गया है, मैं घर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा प्लान थोड़ा सा बदल गया, मैं वापस जा रहा हूँ जी पंजाब की तरफ। तो पंजाब मेरा अचानक से प्लान बना फिर से, वरना मैं घर की तरफ निकलने वाला था कि मैंने टिकट निकाली हुई, मैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर हूँ। तो चलते हैं जी, अभी ट्रेन में 2-4 मिनट ही है, तो चढ़ते ट्रेन में और निकलते हैं, करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। चलिए जी। तो गाइस जस्ट अभी ट्रेन निकली और अभी जाना है मुझे यहाँ से जालंधर, तो जालंधर ये 2-4 घंटे में पहुँच जाएगी, वहाँ से बस लेनी है बांगा के लिए। ट्रेन चल पड़ी, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, तब तक के लिए बैठते हैं और एडिट करते हैं। आई थिंक सो ट्रेन में बहुत ज़्यादा शोर आता है तो मुझे नहीं पता वॉइस कैसे आएगी। ना भाई हट जाए, आगे जाए या पीछे जाए, तो अभी पहुंच गया जी मैं यहाँ पे जालंधर और यहाँ से मुझे जाना है रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड ताकि मैं बस पकड़ूँ वहाँ से बांगा के लिए। तो चलते हैं जल्दी करते हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं जी
5:30 तो निकलते हैं यहाँ से बाहर रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड के लिए कोई गाड़ी लेते हैं, ऑटो या कोई और। तो चलते हैं बस स्टैंड की तरफ और वहाँ से बस लेते हैं सीधा बांगा, नवा शहर की तरफ। बांगा सिटी आती है, उधर जाना है। चलिए जी गाइज, अभी पहुंच गए जी यहाँ पे बस स्टैंड। ये देख लो जी, ये है जलंधर का बस स्टैंड। इससे पहले भी मैं पिछले साल आया हूँ यहाँ, लेकिन तब मुझे चंडीगढ़ जाना था। अभी सेम मैं यहाँ से जा रहा हूँ चंडीगढ़, नवा शहर रोपड़। मीन्स मुझे नवा शहर जाना है। नवा शहर से पहले ही आता है 5-10 किलोमीटर बांगा। तो अभी वहाँ से बस आएगी, वहाँ पे लगेगी और फिर निकलेंगे यहाँ से। चलिए जी, ये है जी बस, इसमें जाना है बांगा। चलिए तो पहुंच गई बांगा और अपना दोस्त यहाँ पे वेट कर रहा है, देख लो। चलते हाँ। No moments later.